बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बुद्धा चैंट्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज से 30 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करी थी बुद्धिस्ट मेडिटेशन से विपासना। और हम शुरुआत ही बुद्धा को नमस्कार करके करते हैं कि हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, हम संघ की शरण में जा रहे हैं और हम धर्म की शरण में जा रहे हैं, तो हम उनको समर्पण कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसको एंड तक आपने देखना है। और आज मैं चर्चा करूँगी अपनी मैनिफेस्टेशन की, पिरामिड्स के थ्रू रेकी को कैसे इस्तेमाल करें, पिरामिड और रेकी आपस में कैसे काम करते हैं, और हम अपनी विश फुलफिलमेंट, अपने गोल अचीवमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने गोल्स को जल्द से जल्द कैसे पाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये 7 चक्रा बोल्स की साउंड्स है, ये मैंने इसलिए बजाया है ताकि आपके शुरुआत करने से पहले आपको 7 चक्रास का हीलिंग मिले और आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हों। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपना पिरामिड रेकी का। तो जैसे भी आप ये देख रहे हैं पिरामिड शेप, ये बॉक्स है मेरे पास, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। आजकल फेंग शुई वाले इसे बेच रहे हैं अराउंड बिटवीन 500 to 700, ऑनलाइन ये सब मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही खूबसूरत सा है, इजिप्शियन कैरेक्टर्स बना रखे हैं और ये परफेक्ट पिरामिड बना रखा है। और इसके अंदर आप देखिएगा मिरर्स हैं और कुछ क्रिस्टल्स हैं। तो ऐसा आपने लेना है एक पिरामिड बॉक्स जिसमें कुछ क्रिस्टल्स रखने हैं जो आपके फेवरेट हो। आप 7 चक्रा क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। तो हम इंक्लूड कर रहे हैं पिरामिड्स, क्रिस्टल्स और रेकी प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन फटाफट हो। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्ची रखनी है, जो भी आपका गोल है आपने उसको इसके अंदर डाल लेना है। तो गोल पे लिखना है कि मेरा मनी जो है 1000 times मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो आपने पर्ची डाल दी है और ये क्रिस्टल्स आपने रख दिए हैं। अब आप यहाँ पे अपने बॉक्स को रख के, इसको विश बॉक्स भी कहते हैं, पिरामिड बॉक्स भी कहते हैं, तो आपने अपने हैंड्स को रब करा, अपने सिंबल्स बनाए, रेकी गॉड्स एंड गाइड्स का आह्वान किया। अब आप यहाँ पे एंजल थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एंजल्स को कॉल किया, मेरे पास ये क्वार्ट्स की एंजल है जो बहुत अच्छा एनर्जी को मैग्निफाई करता है। तो क्वार्ट्स की एंजल को हमने कोई नाम दे दिया, जो मेरा फेवरेट नाम है आर्कएंजल रफील, जो हीलिंग के एंजल हैं। आर्कएंजल रफील आए, मौजूद रहें और मेरी विशेस को फुलफ़िल करने में मेरी मदद करें। ये मैं एफोमेशन कर रही हूँ और मैं यूनिवर्स को बता रही हूँ कि मेरे क्लाइंट्स अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफोमेशन का बहुत महत्व है। तो हमने एफोमेशन कर रहे हैं जो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और मैंने हाथों को रब करा, रेकी सिंबल्स अगर आप जानते हैं तो रेकी सिंबल्स बनाएंगे, रब करेंगे और ऐसे आपने अपने गोल्स को ऊर्जा देनी है। आँख बंद करेंगे और ऊर्जा देंगे, मेरे गोल्स पूरे हो रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और मेरे गोल्स पूरे हो रहे हैं। ऐसे कम से कम 15 मिनट आपने अपनी विश को रेकी करना है। और आप चाहें तो ये सिंगिंग बोल के साथ, सिंगिंग बोल को भी आपने ऐड कर दिया है।
सिंगिंग बोल की वाइब्रेशन बढ़ रही है, आप नोट करिए। सिंगिंग बोल वाइब्रेशन को बढ़ाता जा रहा है, मेरे गोल की मैनिफेस्टेशन हो रही है। तो सिंगिंग बोल के साथ मैं अपने गोल की मैनिफेस्टेशन को विजुलाइज कर रही हूँ। रेकी गाइड्स एंड गॉड्स एंड एंजल्स मेरे गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैं अपने गोल्स को पूरा कर रही हूँ। सिंगिंग बोल्स की वाइब्रेशन मेरे गोल्स को मैनिफेस्ट कर रही है। आई कॉल अपॉन बुद्धा, जीसस, आर्कएंजल रफील, सबको मैं इनवाइट करती हूँ कि मेरे गोल्स को पूरा करने में मेरी मदद करें। और ये साउंड मेरी क्लेंजिंग कर रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे गोल्स में आ रही है उसको ये क्लेंज कर रहा है। थैंक यू बुद्धा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आई थैंक बुद्धा एनर्जीज हु हैव हेल्प मी इन मैनिफेस्टेशन ऑफ माई गोल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू रेकी गॉड्स एंड गाइड्स, थैंक यू एवरीबडी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मैनिफेस्टेशन में इतनी सारी एनर्जीज का इस्तेमाल करके उन्हें मैनिफेस्टेशन तक ले जा सकें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद योर गोल्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपका गोल्स अचीव हुए, बताएं मुझे। थैंक यू एंड सी यू अगेन।